नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्रीपुरा पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णोबाल विनय स्कूल के प्राचार्य सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। स्कूल द्वारा फीस जमा नहीं होने पर कई बच्चों की ऑनलाइन एग्जाम नहीं ली गई थी, जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को दर्ज करवाई थी। मामला शहर के प्रतिष्ठित स्कूल श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णोबाल विनय से जुड़ा है। स्कूल के प्राचार्य द्वारा कुछ बच्चों की फीस जमा नहीं होने पर उन्हें ऑनलाइन क्लास और एग्जाम से वंचित किया गया था, जिसकी शिकायत बच्चों के परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी को दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद हुई जांच में शिक्षा विभाग ने स्कूल को दोषी पाया, जिसके बाद स्कूल की प्राचार्य सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में छत्रीपुरा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक शिक्षा विभाग की तरफ से मामला दर्ज कराया है, क्या पूरा मामला है? श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णोबाल मंदिर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि शासन के भी निर्देश थे और माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश थे कि कोई भी बच्चे को फीस के अभाव में उसको पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए और परीक्षा से वंचित नहीं किया जाए। परंतु जो प्रिंसिपल है श्रीमती आभा जोहरी, उनके द्वारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से भी वंचित किया गया और उनकी परीक्षा से भी वंचित किया गया। धारा 75 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी हमको प्रतिवेदन दिया था और बहुत जल्दी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।